हेलो एवरीवन, दिस साइन अगमार ओरा एंड यू आर वाचिंग टीजीसीसी लीगल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, जैसे कि अब जो आपका एग्ज़ाम है आपको किस तरीके से उससे डील करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है उस एग्ज़ाम को। मैं आपसे बात करूंगी, नॉर्मली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ लिख के, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के दे रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें करूंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरी दूसरी वीडियो देख लें, उसमें कुछ टिप्स बता दूंगी कि आपको उस तरीके से तुक्का लगा के या कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना, वो चीज़ मैं वहाँ डिस्कस करूँगी। अभी मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है। अगर आप इस चैनल से पहले से कनेक्टेड रहे होंगे तो मैंने आपको कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अगर आप लोगों ने वो कर लिए हैं नोट डाउन करके, जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से कर लिए हैं, तो आपको मान के चलना है कि आपके 50% तैयारी है, 50% चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर उतना पार्ट आप लोग ठीक कर दोगे तो। आपको डर लग रहा है इस टाइम कहाँ पे? करंट अफेयर्स में। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया है कि करंट अफेयर्स में डर लग रहा है तो क्या करें। देखो, करंट अफेयर्स ना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना बहुत बड़ी बात होती है, बट आपको इतना ज़रूर मालूम होगा कि क्या आंसर नहीं है, मतलब कि आपको कट आउट करने आ जाएंगे कि ये ऑप्शन चार में से ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो बचा हुआ आंसर है। एक चीज़ और, आप करंट अफेयर्स ऐसे ही कर सकते हो और कॉन्स्टी भी ऐसे ही कर सकते हो कि ये आंसर तो इसका नहीं हो सकता, दूसरा ही होगा। अब इन पिन सब डिपिन दो ऑप्शन में बचती है, क्योंकि क्लियर हमारे डिलीट जब करने जाते हैं ना, दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं, बाकी बचते हैं दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में ना आपका जो माइंड सबसे पहले जिस आंसर को स्ट्राइक करे ना, मेन आंसर वही होता है, तो आपको उसी आंसर के साथ जाना है। और एग्ज़ाम से डील कैसे करना है, पहले तो पूरा एग्ज़ाम पेपर पढ़ना है, आपको पढ़ना है, साथ साथ जो आंसर होता जाए उसको करते रहो। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ोगे फिर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ रहे हो साथ साथ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसे भी नहीं कहूँगी कि टॉपिक पहले ये उठाना ये उठाना ये उठाना, कुछ नहीं बोलूँगी मैं। एक रीडिंग आपको देनी है, चाहे बाद में दो चाहे पहले दो, इज्जत से फर्स्ट वाली रीडिंग दो, जितने आते हैं अटैम्प्ट कर दो, फिर जो लास्ट में बच जाएंगे, जो छूट जाएंगे, जो जिसको आपने फ्लैग लगा के छोड़ रखा होगा, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। रिस्क कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना वो भी बता देती हूँ। अगर आपके 60 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं और आपको भरोसा है कि ठीक ही है, तो मैं आपको बोलूँगी रिस्क मत लेना। मतलब एक चीज़, 60 क्वेश्चन ही तो कैटेगरी नहीं डालना चाहे, क्राइटेरिया नहीं डालना चाहूँगी, क्योंकि ना अब कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम बहुत टफ आ जाता है, कई बार ईजी आता है। अगर आपको एग्ज़ाम ईजी लग रहा है ना, तो वो सबके लिए ईजी है, आपके लिए ईजी नहीं है, और अगर टफ़ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ़ है। तो ध्यान आपको इतना देना है कि आपका एग्ज़ाम टफ़ है तो उसके हिसाब से आप 60% अच्छे से कर चुके हो, आपको लग रहा है कि मेरे 60% मार्क्स आ जाएंगे, तो ठीक है, उसमें वहाँ रिस्क मत लो। अगर टफ़ है तो, ईजी है तो आपको एटलीस्ट 70-75% एग्ज़ाम अच्छे से करना पड़ेगा। 15% मैं इसलिए, मतलब 25% मैं इसलिए छुड़वा रही हूँ, क्योंकि वहीं तो, मतलब वहाँ से तो डिसाइड नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो 25% अगर आप छोड़ रहे हो ना, तो वही तो गेम है, कॉम्पिटिशन वही तो है। कुछ जो टॉपर्स वगैरह होंगे वो उनको करेंगे, क्योंकि उनको उनकी तैयारी इतनी अच्छे से हो रखी होती है तो वो तो करेंगे। बाकी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो इसके आगे रिस्क मत लेना, आप इतने पे छोड़ देना, फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड कट ऑफ तक आपका नाम आ जाएगा, तो डरना मत। अगर उतना कर लिया है तो थोड़ा पेशेंस रखना, सारी कट ऑफ का वेट करना। एंड मेन चीज़ मैं अब आपको ये बताऊँगी कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, एक रीडिंग कर ली, सारे अटैम्प्ट कर लिए, अब फ्लैग लगे हुए हैं, फ्लैग लगे हुए में से मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो पॉलिटी वाला पार्ट पहले ही पढ़ लेना। साइड में देखते रहना कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि इतने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर चुके हो। मतलब हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट जो हम एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करते हैं, जिन लोगों ने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दे रखा, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी एक रफ पेपर आपको ज़रूर मिलता है, वहाँ से आप फ्लैग लगा के देख लेना, अनरीड लगा के देख लेना, डू इट लेटर, जो भी सारे ऑप्शन होते हैं सारे अटैम्प्ट करके आप लोग एक बार देख लेना कि कैसे यूज़ होते हैं। और एग्ज़ाम में आपको रफ पेपर शायद देते हैं, हर किसी को नहीं मिलता है, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, पेन और पेपर हर सेंटर में आपको नहीं मिलता, मतलब 90% सेंटर्स में मिलता है, पर लास्ट ईयर मेरे को स्टूडेंट थे उसमें से 2-4 को नहीं मिला था, तो इसके लिए आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आपको पेन पेपर देंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेके जाना, आज रात को वो चीज़ अच्छे से पढ़ लो जो आपका एडमिट कार्ड आया, आपको चीज़ें प्रॉपर लेके जानी है, सैनिटाइजर मास्क जो भी बोला है सब लेके जाना प्रॉपर, क्योंकि अगर वो चीज़ भी आपके पास पूरी नहीं होगी ना, तो वो एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, छुड़वा देंगे। बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। अब आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो मेरा मानना ये है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा, जो लोग सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर
वो वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि उनको डर लग रहा होगा। यहाँ तक जो आया है वो अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि यहीं तक जो बच्चा पहुँचा है ना, मेरा मानना यही है कि वो सीरियस था एग्ज़ाम को लेकर, उसने मेरी सारी इंस्ट्रक्शन को सुना है और वो उसको फॉलो भी करेगा। ऐसे कभी मत जाना कि आपको पहले ये सब्जेक्ट उठाना है, ये सब्जेक्ट उठाना है, ये मेरा ईजी है, पढ़ना तो सारा ही है ना, टाइम कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले ये कर लो तो टाइम बचता है। रीडिंग में जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी है ना, वो उस हिसाब से पढ़ता ही है, चाहे पहले पढ़वा लो चाहे बाद में पढ़ा लो। हाँ, माइंड फ्रेश फ्रेश वाली बात होती है, अगर ज़्यादा लगता है तो करंट अफेयर्स उठा लो, पर अब की बार तो एग्ज़ाम मिक्सअप आ रहा है ना, कुछ आपका डिफाइन है कि 25 के बाद करंट अफेयर्स आएंगे, ना ऐसा कुछ डिफाइन है कि 25 से पहले, सब मिक्सअप आ रहा है, आपका पूरा माइंड चेकअप हो रहा है वहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से शुरू से पढ़ो। हाँ, इंग्लिश को आप लास्ट में कर सकते हो, मतलब मेरा पर्सनली मानना ये है, अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी होगी तो आप वो भी अच्छे से कर जाओगे। मैं इसलिए आपको मना कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने एंट्रेंस के लिए इंग्लिश की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मैंने लास्ट में उठाया, गिन लिए ना कि कितने क्वेश्चन हैं, कहाँ रिस्क लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए, तो मुझे नहीं लगा था इतना, तो 2-4 क्वेश्चन वहाँ के किए थे, बाकी छोड़ ही दिए थे, क्योंकि रिस्क सोच समझ के लेना पड़ता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, ये वीडियो मेरी दिल से बनी है आप लोगों के लिए, अगर किसी ने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है तो मेरा दिल से आप लोग को ऑल द बेस्ट है। मैं आपसे पर्सनली फैकल्टी पर मिलना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना। एंड अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कुछ लोग को होता है कि उन्हें कॉन्टैक्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं ग्रुप का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, एंड टेंशन मत लो, कल अच्छा ही होगा जो भी होगा, बस भगवान को याद करो और एग्ज़ाम दो।